तो ये भारत केवल भारत नहीं रहेगा, ये विश्व मंडप में ऐसा उदीयमान एक विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि संत जो है संस्कार देते हैं, पल्लवित भाव देते हैं, उद्दंड को दंड देने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए योगी जी प्रधानमंत्री हो जाए तो हमारे लिए तो जय जयकार है महाराज। यात्रा अब शुभारंभ हो चुकी है और यहाँ से लेकर के शुक्रताल, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, गया, देवघर, कामाख्या और यहाँ से लेकर के फिर दक्षिण भारत में होकर के पुनः 2028 अर्थात पंचवर्षीय यह पद यात्रा है, 2028 सिंहस्थ में इस यात्रा का विराम होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, इस समय धर्म नगरी हरिद्वार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये जो संत देख रहे हैं ये कोई आम काम नहीं करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे काम को अंजाम देने जा रहे हैं जिसको सोचकर हिंदू भी थोड़ा अचंभे में आ सकता है। 21,000 किलोमीटर यानी के 21,000 किलोमीटर की ये पदयात्रा करने जा रहे हैं और दो गुरुजी मेरे साथ मौजूद हैं और हरे कृष्णा का इनका पूरी तरीके से एक जाप चल रहा है। इनसे जरा बातचीत करते हैं, आखिर इस पूरे पदयात्रा के पीछे इनका क्या मकसद है और इनसे पूछना चाहेंगे कि ये यहाँ से किस किस एरिया से होकर निकल कर जाएंगे, क्योंकि 21,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, 21,000 किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या बैठती है। गुरुजी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, क्या नाम है और क्यों आप ये सब काम करना चाहते हैं, 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा? सभी भारतवासियों को नमो नारायणाय, जय श्री कृष्णा। यह अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा संपूर्ण भारत की परम पूज्य श्रद्धेय वितरक शिरोमणि हमारे अत्यंत प्रेमास्पद श्री स्वामी निर्मल चेतन पुरी जी महाराज जी के साथ में हम दोनों का दिव्य संकल्प है। इस संकल्प के साथ परम पवित्र भारत माता को वंदन करने के उद्देश्य से और इस भारत माता में विद्यमान समस्त भारत माता के पुत्र सब में सद्भाव हो, सब में राष्ट्रीय प्रेम हो, पर्यावरण संरक्षण हो, राष्ट्रीय संरक्षण हो और नदियां सुरक्षित हो, इस दिव्य भाव को लेकर हम लोग संपूर्ण भारत की पदयात्रा करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पदयात्रा तो बहुत होती है लेकिन पदयात्रा में मुख्य भगवान के नाम के साथ में, जो भगवान का नाम क्या है, कहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना और उसी परमात्मा को प्राप्त करने का सरलतम साधन है भगवान नाम जप, और उसी का आश्रय लेकर हम लोगों ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस दिव्य महामंत्र का आश्रय लेकर हम लोग दिव्य यात्रा का शुभारम्भ कर चुके हैं। और ये यात्रा देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार भगवान दक्षेश्वर महादेव के दिव्य चरण सन्निधि से निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकरण भारती जी महाराज और समस्त अखाड़ों के अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अन्य जितने भी संत महापुरुष हैं, इन सभी के सानिध्य में यात्रा अब शुभारंभ हो चुकी है और यहाँ से लेकर के शुक्रताल, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, गया, देवघर, कामाख्या और यहाँ से लेकर के फिर दक्षिण भारत में होकर के पुनः 2028 अर्थात पंचवर्षीय यह पदयात्रा है, 2028 सिंहस्थ में इस यात्रा का विराम होगा। मतलब 2028 में, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी 23 चल रहा है, 24 आएगा, 25, 26, 27, 28 में जाकर, 2028 में जाकर ये यात्रा पूरी होगी। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। पहले तो गुरुजी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जगह बात होती है हिंदू राष्ट्र की, आप ये हिंदू सभी लोग इस चीज की यात्रा को कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे हिंदू हैं जो अभी भी भटके हुए हैं अपनी राहों से, उनको क्या कहेंगे? सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं, भारत की मिट्टी से, भारतीय संस्कृति से और भारत में रहने वाले समस्त जितने भी हमारे बंधु हैं उन सब से एक प्रकार का ऐसा प्रेम हो कि वो वैर भाव से रहित हो जाएं। इसका परम उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन का ये है कि भारत में रहने वाले समस्त भारतीय भारत की मिट्टी से प्रेम करें और भारत की संस्कृति से प्रेम करें और एक आपस में इतना प्रेम करें कि भारतीय राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्णता आपस में प्रेम सद्भाव समस्त भाव में बना रहे, कोई किसी से वैर न करे। और भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है कि हम इस मिट्टी के साथ ऐसा प्रेम करें जिस मिट्टी में
हमको जन्म लेने का सुसौभाग्य प्राप्त हुआ और इस मिट्टी का हमारे पर इतना बड़ा ऋण है कि हम 7 जन्म या 100 जन्म लेने के बाद में भी ऋण नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुल वंश परंपरा के साथ भारत के समस्त प्राणी आपस में प्रेम करते हुए ये भारत पवित्र बने, भारत में रहने वाले समस्त बंधु प्रेम से युक्त हों। और जहाँ पर आपने कहा कि हिंदुत्व की बात, तो हम तो उस संस्कृति से हैं जहाँ पर एक परंपरा के माध्यम से जो दर्शन और विज्ञान को एक साथ लेकर चलता है, और सनातन की परम पवित्र विधा में सबसे पहला मंत्र है कि राग द्वेष से रहित हो जाएं, विकार से रहित हो जाएं। तो हमारे इस संकीर्तन का दिव्य भाव भी यही है कि हरिद्वार की पावन पुण्य धरा और दिव्य संतों के सुसान्निध्यता से भारत में रहने वाले समस्त बंधुओं का प्रेम ऐसा परिपूर्ण हो जाए कि विश्व मानस पटल में जो विश्व युद्ध की तो खतरा है वो टल जाए भारत के प्रेम के माध्यम से, और उस प्रेम के माध्यम से भारतीय संस्कृति के माध्यम से विश्व गुरु का मानस पटल तभी बन सकता है। आपके एक बात में मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि संसार में अगर किसी वस्तु को, अगर बैर को अगर समाप्त करना है, उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्रेम। एक आपस में प्रेम नहीं होगा तो बैर कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और वो प्रेम को परिपूर्ण करने वाला विधा है हिंदू धर्म। और सनातन वैदिक परंपरा का मूल उद्घोष है एक आपस में प्रेम बने, सद्भाव बने, और ये भारत की मिट्टी में ही इसकी परम पवित्र बीज का अंकुरण होता है, और ये हमारी संस्कृति का धरोहर भी है। और भारत की संस्कृति के, भारत का बीज का मूल मंत्र भी यही है कि हम कृणवंतो विश्व मार्यम को मानते हैं, और इस परम पवित्र भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेद्। इस मूल मंत्र को चरितार्थ करने के लिए, माँ भारती को वंदन करने के लिए और अपने संस्कृति को प्रणाम करने के लिए हम दोनों पूज्यपाद स्वामी राजनपुरी जी के महाराज जी के साथ हम दोनों 21,000 किलोमीटर की जो पदयात्रा है इसमें हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है और माँ भारती का है। ये शरीर माँ भारती को ही समर्पण करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अच्छा गुरु जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, आने वाला समय जो है वो इलेक्शंस का है, वैसे तो आपसे राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जितने ज्ञानी होते हैं उनसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता। 2024 में मोदी जी दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पूरा भारत देखेंगे, तमाम जगह से निकलेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो भारत की मिट्टी से प्रेम करेगा, भारत की संस्कृति से प्रेम करेगा, वही भारतीय राज्य सत्ता में बैठने का अधिकारी है। हम लोग धर्मगुरु के परम पवित्र भाव को संचरण करते हैं, हमको, हमारे लिए राज्य सत्ता की बात में केवल निर्देशन है, राज्य सत्ता में बैठने का अधिकार सन्यासियों को नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है कि राज्य सत्ता, भारतीय राज्य सत्ता वशिष्ठ विश्वामित्र के निर्देशन से राजा दशरथ चले, उनका सूर्य वंश चला, और इसी प्रकार से दुर्वासा, सांदीपनी आदि ऋषियों के माध्यम से चंद्रवंश चला, और धर्म सत्ता के अनुसार राज्य सत्ता चले तभी भारत का कल्याण है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय धर्मगुरु इतने परम पवित्र हो जाएं कि वो भारत की मिट्टी से सबसे पहले प्रेम करना सीखें, और उसके साथ साथ भारत की इस पवित्र राज्य सत्ता में वही बैठे जिसके अंतर मन में भारत की मिट्टी के प्रति अनन्य प्रेम हो। मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम लूँगा तो मेरी समदर्शिता में कलंक लग जाएगा। जो भारत से प्रेम करेगा वही राज्य सत्ता में बैठे, हमारी शुभकामना है उनके लिए। क्या लगता है, योगी जी तो एक योगी हैं और आप यूपी में भी जाएंगे तो वहाँ पर योगी राज चलता है, तो योगी जी आपने देखा होगा वो पूर्ण ब्रह्मांड पे बात करते हैं, भारत को पूरा प्रेम करते हैं, तो क्या लगता है 2024 में योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? देखिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले योगी जी को राजनीति से दूर करिए। योगी जी हमारे हैं और योगी जी सबसे पहले संत हैं, और जो संत राज्य सत्ता को परिपूर्ण भाव से अगर संचरण करे तो ये भारत केवल भारत नहीं रहेगा, ये विश्व मंडप में ऐसा उदीयमान एक विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि संत जो है संस्कार देते हैं, पल्लवित भाव देते हैं,
उद्दंड को दंड देने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए योगी जी प्रधानमंत्री हो जाएं तो हमारे लिए तो जय जयकार है महाराज। तो आपने देखा, जब हमने योगी जी का पूछा तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी जी अगर जो प्रधानमंत्री बन जाए, इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आपको ये खबर कैसी लगी है? इस खबर को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।